अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे अपने चैनल पे आज जो है वो एक नई सर्दियों की बहुत मज़े की सब्ज़ी बना रही हूँ, जो कि है मेथी, आलू, गाजर और मटर, जो कि इस सीज़न में लोग बहुत शौक से खाते हैं। मेरे बच्चों के ये बहुत फेवरेट है, तो आज मैं दोपहर को यही बना रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ये अपनी रेसिपी जो है वो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ। मेथी जो है उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जो कि सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक मतलब आधा किलो मेथी ली है, 3-4 गाजरें ली हैं, उनको काट लिया है, मटर लिए हैं थोड़े से, और 4 या 5 आलू लिए हैं, उन्हें बारीक काट लिया है, प्याज 1 अदद और 2 टमाटर बारीक बारीक काटे हैं। इधर मैंने हस्बे ज़रूरत 2 टीस्पून जो है वो लाल मिर्चें लिए हैं, 1 टेबल स्पून हल्दी ली है और नमक 1 टेबल स्पून, और सूखा धनिया पिसा हुआ जो है वो भी 1 टेबल स्पून मैंने लिया है। सबसे पहले हम अपने बर्तन को हल्का सा गर्म करके हल्की आंच पे रख के उसे सबसे पहले हम जो है वो मेथी डाल देंगे। मेथी का जो है वो अपना भी पानी होता है, ताकि वो पानी भी सूख जाए, और उसके साथ जो है वो हम इसमें टमाटर और प्याज डाल देंगे। टमाटर और प्याज डालने के बाद अब हम इसमें जो है वो बाकी सारे जो है वो स्पाइसेस डालेंगे, सूखा धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, नमक। अब ये सारा कुछ सारे मसाले डालने के बाद हम जो है इसको थोड़ी देर इसका पानी जो है वो खुश्क होने देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसका जो है पानी वो खुश्क होने देंगे, और उसके बाद हम इसमें जो है वो बाकी चीज़ें डालेंगे। जब तक मेथी का पानी सूखे हम इसको ढक देंगे। इसको मीडियम फ्लेम पर रखना है, ताकि इसका पानी ड्राई हो, लेकिन ये मेथी जो है वो जले ना। अब इसमें गाजर और हम मटर डाल देंगे, ताकि क्योंकि ये हार्ड होते हैं तो इनको गलने में टाइम लगता है, और ये डालने के बाद हम इसमें जो है वो थोड़ा सा पानी डालेंगे, ताकि टमाटर ये मटर और गाजरें जो हैं वो नरम हो जाए, और इनको जो है वो हम मिक्स कर लेंगे। अब अच्छी तरह इनको हम आपस में मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद इनको हम ढक देंगे, ताकि इस पानी में ये जो गाजर है, मटर है, मेथी है, ये सारी चीज़ें गल जाएं, और उसके बाद हम इसमें सबसे आखिर में जब ये गल जाएंगे और तो हम उसमें आलू डालेंगे। अब हम इसको हल्की आग पे रख के हम इसको ढक देंगे। पंद्रह मिनट हो गए हैं इसको हल्की आंच पे। अब मैंने इससे ढक्कन उठाया है, तो देखने से लग रहा है कि ये जो है वो सब्जियां गल चुकी हैं। तो अब हम मैंने इन सब्जियों में थोड़ी देर पहले जो है वो ऑयल भी डाल दिया है, जो मैंने आपको बताया था, आधा कप या जितना आप डालना चाहते हैं, मैं ऑयल कम डालती हूँ। तो अब जो है मैं सबसे एंड में, ये क्योंकि मटर और गाजर गल चुके हैं, तो अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी, क्योंकि आलू जो हैं वो जल्दी गलते हैं। आलू डाल सब्जियाँ जो हैं वो गल चुकी हैं, तो अब हम इसमें आलू डाल देंगे, और आलू डालने के बाद जब इसको हम मिक्स कर लेंगे और उसको अच्छी तरह से जो है वो भून लेंगे। तो आलूओं को अच्छी तरह से सब सब्जी इसको मिक्स करके इसको अच्छी तरह से भून लें, और जब ऑयल जो है वो हल्का हल्का सा नज़र आने लगे और पानी जो है वो खुश्क हो जाए, तो उसके बाद इसको हम ढक देंगे,
ताकि आलू जो है वो भी दम में गल जाए। अब हम इसको ढक देते हैं 5 मिनट्स और 2-6 मिनट्स तक जो है वो आलू जो है वो गल जाते हैं, क्योंकि आलू बहुत जल्दी गलते हैं। इसको मीडियम या बिल्कुल हल्की आग पर जो है वो आप इसको ढक दें। दम से हटा लिया आप सब्ज़ी को। ये मेरी सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल तैयार है और ये मैंने मिक्स वेजिटेबल बनाई है। अगर आप इसको इसमें से मटर और गाजर स्किप करना चाहते हैं तो कर दें, और जब मेथी जो है उसका पानी ड्राई हो जाए तो सिर्फ उसमें आलू डाल दें और भून के हल्की आंच पे जो है वो दम दे दें, वो मेथी आलू बन जाएगा। मिक्स वेजिटेबल में अगर आप मेथी डालते हैं ना तो उसका टेस्ट जो है वो दुबाला हो जाता है, बहुत मज़े का। और मेरे बच्चे तो ये वाली जो मिक्स वेजिटेबल है जिसमें मेथी डालते हैं ना, वो बहुत शौक से खाते हैं। मज़ेदार सी मेथी और गाजर, मटर, आलू, ये सारी मतलब मिक्स करके जो सब्ज़ी बनाई है वो तैयार है। उस पर गरम गरम जो सब्ज़ी है उस पर बटर डालें और रोटी के साथ खाएं, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा और इसको ज़रूर बनाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।